स्वागत है आपका हमारे चैनल लो प्रोफेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोई इंसान या कोई समुदाय आपकी धार्मिक भावना को आहत करता है, आपके जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स है उनको हर्ट करता है, ठेस पहुंचाता है, उस सिचुएशन में आपके पास क्या राइट है, आप क्या लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है कि हम किसी भी धर्म के अंदर वर्शिप कर सकते हैं, उसकी पालना कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपने धर्म को ऊंचा सिद्ध करने के लिए दूसरों की धार्मिक भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। इस सिचुएशन में वो जो समुदाय, जो पीड़ित समुदाय है, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको ठेस पहुंची है, उसकी धार्मिक भावनाओं को हर्ट हुआ है, उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है। तो दोस्तों इसका प्रावधान हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर, भारतीय जो दंड संहिता है उसके अंदर सेक्शन 295 और 295A और 298 के अंदर दिया गया है। दोस्तों अगर कोई किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को तोड़ता है, उस सिचुएशन में सेक्शन 295 के अकॉर्डिंग आप FIR लॉन्च करवा सकते हैं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। इसके लिए उसको 2 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई लिखकर या बोलकर आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, चाहे वो इंटेंसली हो या अगर वो जानबूझकर या बूझकर किसी भी तरीके से आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, ये बोलकर भी हो सकता है, ये लिखकर भी हो सकता है, इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 295A, 298 ऑफ IPC के अकॉर्डिंग आप FIR लॉन्च कर सकते हैं। इसके अंदर उसको मिनिमम 2 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।